हम सबको एसयूवी बहुत पसंद है, लेकिन कौन सी एसयूवी ज्यादा एवरेज देती है? क्योंकि एसयूवी का नेचर ही है थोड़ा कम एवरेज देना। ऐसी कंडीशन पे अगर हमें एसयूवी से अपना प्यार बना के रखना है तो उसका अच्छा एवरेज देने वाला होना जरूरी है। ऐसी कौन सी एसयूवी है जो आपको बेहतरीन एवरेज देती है, वो भी मिड साइज, अपर मिड साइज और फुल साइज एसयूवी में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपर मिड साइज एसयूवी और फुल साइज की एसयूवी। हाँ, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं मिनी एसयूवी और मिड साइज एसयूवी पर, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मुझे बता दें, जैसे कि वेन्यू, नेक्सॉन या क्रेटा सेल्टॉस। यहां पर मैं बात कर रहा हूं अपर मिड साइज की, तो प्लीज अगर आपको उन पर वीडियो देखना है तो यहां पे मुझे बोल करके बता दीजिए, मैं आपको वीडियो जरूर दे दूंगा। अब बात करते हैं उस एसयूवी की जिसे हम कहते हैं अपर मिड साइज एसयूवी। कौन कौन से कंटेंडर्स हैं अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा कंटेंडर हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर द्वारा है एक्सयूवी 500 टाटा हैरियर, और उसके बाद मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी हैं जैसे कि जीप अपने कंपास के साथ और एमजी अपने हेक्टर के साथ में। इन सबके अलावा वो हैं फुल साइज एसयूवी में, जिसमें हमारे पास दमदार भारी भरकम एसयूवीज मौजूद हैं, एंडेवर, फॉर्च्यूनर और अल्ट्रोस G4। जी हाँ, ये भारी भरकम एसयूवी हमारे साथ मौजूद है। और मजे की बात आपको बता दूं कि अपर मिड साइज जो एसयूवी का है, जिसमें कि आपको है ये हेक्टर, कंपास, XUV500, ये सब मेड इन इंडिया आती हैं, कंप्लीटली मेड इन इंडिया कार है। शुरुआत कर देते हैं अपर मिड साइज से। सबसे बड़ा कंटेंडर टाटा की हैरियर। हैरियर सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती है, पेट्रोल में आती ही नहीं है पहली चीज, और कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ नहीं आती, सिर्फ मैनुअल, बस काम खत्म, पैसा हजम। अभी हाल में नया इन्होंने डार्क एडिशन लॉन्च किया जो देखने में काफी अच्छा लग रहा था ब्लैक कलर का होने की वजह से। हाँ, अगर इसके एवरेज की बात करूं तो मेरी नजर में इसका एवरेज सिटी में 12-13 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आसानी से आपको मिल जाता है। बहुत ज़रा ट्रैफिक हो तो घट के 11 रह जाता है, बस इतना एवरेज आपको फिर भी मिल जाता है इसके 140 पीएस पावर वाले इंजन के साथ में, जबकि हाईवे पे आपको आराम से 16 का एवरेज दे देती है, कभी कभी 17 भी पहुंच जाता है। इसीलिए हैरियर को लोग अच्छी हाईवे के लिए, एवरेज के लिए पसंद करते हैं। अब बात करते हैं एक दूसरे कार के बारे में कि उनके क्या हाल है। बात कर रहे हैं अभी नई नवेली और थ्राले से बिकने वाली एमजी हेक्टर की। इस कार को जितना लोगों ने चाइनीज कह के बदनाम किया, इस कार के सेल ने सबको पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी इस कार को देखा, सबने इसकी बिल्ट क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी, स्टील क्वालिटी, इंटीरियर, हर चीज की तारीफ की, और उनको लगा कि लोग जबरदस्ती इसकी चाइनीज कह के बुराई कर रहे हैं। और ये बात तो सबको पता थी कि चाइनीज तो है नहीं, यह तो एक्चुअली मेड इन इंडिया है। यही वजह है कि लोगों ने उस कार को और ज्यादा प्रेफरेंस किया। सीधी सी बात, जिसकी जितनी बुराई होती है उसकी इतनी सेल बढ़ती है। ना विश्वास हो तो बिल्ट क्वालिटी वाले वीडियो पर ध्यान रखिएगा, जिन्होंने भी बिल्ट क्वालिटी की शिकायतें की वो कारें आज भी राज करती हैं। एमजी हेक्टर, हाँ, यह पेट्रोल में भी अवेलेबल है, वो भी दो तरह के ऑप्शन के साथ, और डीजल में भी अवेलेबल है। पेट्रोल में मिलता है आपको नॉर्मल पेट्रोल जो ठीक ठाक सा पावर भी दे देता है आपको, वो देता है आपको शहर में 8-9 किलोमीटर पर लीटर की, और हाईवे पे आपको देता है ऑलमोस्ट 12-14 किलोमीटर, बस इससे ऊपर नहीं जाता पेट्रोल में। जबकि मजे की बात आपके साथ शेयर करता हूँ, इसका डीजल इंजन, वाह क्या बात है, सिटी में 12-14 किलोमीटर की एवरेज देता है, और हाईवे पे तो 16-17 आराम से निकल के आता है, जबकि हेक्टर बहुत कंफर्टेबल कार है। अब बात करें इसके हाइब्रिड वेरियंट की, हाँ, उसका एवरेज जरूर पेट्रोल में थोड़ा सा बेहतर है। हाइब्रिड माइल्ड हाइब्रिड है, माइल्ड हाइब्रिड में 20 NM का टॉर्क एक्स्ट्रा मिलने की वजह से काफ़ी आपको एवरेज में बचत मिलती है। ये सिटी में आपको दे देता है 9-10 किलोमीटर पर लीटर का, और हाईवे पे आपको मिलता है 13-15 किलोमीटर पर लीटर का, डिपेंड करता है कैसे आप इसे ड्राइव कर रहे हैं। तो अगर आपको पेट्रोल में चाहिए तो मेरे हिसाब से एमजी हेक्टर का हाइब्रिड अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं
जीप कंपास। जीप एक इंटरनेशनल ब्रांड है, पूरे दुनिया में अपनी एसयूवी के लिए जाना जाता है और भारत में उसकी एक ही मेड इन इंडिया कार आती है, वो है कंपास, बाकी तो सब इंपोर्ट होके आती है। और इस कंपास में दो तरह के इंजन ऑप्शन भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है। पहले पेट्रोल की बात करते हैं, 8-9 सिटी में मिल जाता है आसानी से, हाईवे पे आपको 12-13 के बीच में रहेगा एवरेज, क्योंकि यह लोग अधिकतर इस कार को थोड़ा रेस लेकर चलाते हैं और इस वजह से इसका एवरेज घटी जाता है। अब बात करें डीजल इंजन की। हाँ, डीजल बहुत दमदार है, बहुत अच्छा है और खुद का डीजल इंजन है यानी फिएट सोर्स, तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म भी करता है। यह 11-13 किलोमीटर का एवरेज दे देता है, डिपेंड आपके ट्रैफिक और ड्राइविंग स्टाइल पर। हाँ, हाईवे पर आपको आराम से 16-17 का एवरेज मिल जाता है डीजल में, यानी कि इसका एवरेज ऑलमोस्ट ये तीनों कारें जो हमने आपके साथ शेयर की उनका बराबर ही है, एवरेज 16-17 हाईवे पे। सिटी में जरूर थोड़ा ऊपर नीचे है, हेक्टर का मामूली सा ज़्यादा है और कंपास का थोड़ा सा कम है, हाईवे बीच में है। अब बात करते हैं, एक और है लेकिन वो 7-सीटर है, कोई बात नहीं, फिर भी हम इसे शामिल कर रहे हैं अपने इसी प्रोग्राम में, क्योंकि एक्चुअल में साइज उन्हीं का ही है, साइज में यह बड़ी नहीं है 7-सीटर होने के बाद भी, इसीलिए इसके साथ मैं इसे भी शामिल कर रहा हूँ, XUV500। यह पेट्रोल में भी है काफ़ी दमदार टॉर्क देने वाले इंजन के साथ में, जबकि डीजल में भी है अवेलेबल है, और पेट्रोल में इसका एवरेज मिल जाता है आपको 8-9 सिटी में, हाईवे पे 12-14 का एवरेज मिलता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। जबकि XUV500 इन तीनों कारों में शायद सबसे हल्की कारों में से एक है। फिर बात करें अगर हम इसी की डीजल की, जो कि सबसे ज़्यादा धड़ल्ले से बिकता है, हाँ वह सिटी में आपको 12-14 का एवरेज आराम से देता है, मैंने भी खूब चलाया है और इसका रिव्यू अगर आपने मिस कर दिया तो आई बटन पे जाके देख सकते हैं। और हाईवे पे रह देता है 16-17 किलोमीटर का एवरेज बड़े आसानी के साथ। हाँ, मैं इसके अलावा और भी कई कारों का रिव्यू कर चुका हूँ, जिनमें कि अभी हाल में हमने हेक्टर का भी रिव्यू किया, अगर आपसे मिस हो गया है वो हेक्टर का रिव्यू तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं फुल साइज भारी भरकम एसयूवी के बारे में, जो कि शुरू हो जाती है एंडेवर से। एंडेवर की सेल अभी तक तो काफ़ी कम जा रही थी, लेकिन इधर कुछ समय से एंडेवर की सेल ने वापस पिक किया है और यह काफ़ी आगे आ गई है अब पहले के मुकाबले। सिटी में आराम से यह डीजल में 11-13 किलोमीटर का एवरेज दे देती है, जबकि हाईवे पे 15-16 का एवरेज बड़ी आसानी से मिल जाता है। वही अगर हम बात करें फॉर्चूनर की, तो फॉर्चूनर 10-12 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे देती है अपने डीजल इंजन के साथ, और हाईवे पे यह भी 15-16 का ही एवरेज दे पाती है, इससे ऊपर इसका भी एवरेज नहीं जाता है। अब लास्ट में बात करते हैं महिंद्रा की अल्टोरस G4। जी हाँ, इसका एवरेज 10-13 किलोमीटर का एवरेज मिल जाता है आपको सिटी में, ये वेरी बहुत वेरिएबल रहता है इसका एवरेज थोड़ा सा, ये अलग बात है। हाँ, हाईवे पे आपको यह 15-17 तक पहुंचा देती है, यानी अगर आप प्यार से चलाएंगे तो इन सभी गाड़ियों में हाईवे पे सबसे ज़्यादा G4 आपको एवरेज दे सकती है, जबकि सिटी में आपको एंडेवर ज़्यादा अच्छा एवरेज दे देती है। अगर आप ओवरऑल मुझसे कहें कि इनमें से खरीदने के लिए कौन से ऑप्शन है, फुल साइज एसयूवी में मेरी नज़र में एंडेवर ज़्यादा है बेहतर रहेगी, क्योंकि वह सिटी में भी आपको ज़्यादा एवरेज देती है और मैक्सिमम लोग सिटी में चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा ब्रांड है, लंबे समय से भारतीय बाजार में है, लोगों का इस पर ट्रस्ट बना हुआ है। अब बात करते हैं यही अपर मिड साइज एसयूवी में, जिसमें कि हैरियर, हेक्टर, जीप कंपास और एक्सयूवी है। अगर आप पेट्रोल कंसिडर कर रहे हैं तो मेरा मानना है जीप कंपास, XUV500 और MG हेक्टर के मुकाबले में मैं कहूँगा जीप कंपास ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अगर आप माइल्ड हाइब्रिड लेते हैं हेक्टर का तो वो बेहतर रहेगी, क्योंकि उसकी कीमत काफ़ी रीजनेबल है, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो अगर आपको माइल्ड हाइब्रिड लेना है, मैनुअल में लेना है, तो फिर मेरी नज़र में MG हेक्टर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं डीजल में, तो आपको चलना कहाँ है, यहाँ पर मेरे ऑप्शंस आपके लिए बिल्कुल फिक्स है। अगर आपको सिटी में ज़्यादा चलना पड़ता है तो आपको प्रेफर करनी चाहिए जीप कंपास, बहुत अच्छी सिटी ड्राइव आपको देगी, छोटी साइज का होने का फ़ायदा मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन ये महंगी है, अगर आपका बजट नहीं पहुँचता है इस तक तो आप हेक्टर
को कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको फीचर रिच कार चाहिए, और अगर आपको एक नॉर्मल कार चाहिए तो हैरियर और हेक्टर अच्छे ऑप्शन है। इन दोनों में आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। हैरियर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसकी राइड क्वालिटी और हैंडलिंग है, और वहीं हेक्टर की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसकी बिल्ट क्वालिटी और स्पेस है, कंफर्ट है, ये उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। हाँ, फीचर रिच भी डेफिनेटली वो सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि हेक्टर की सेल इस समय सबसे ज़्यादा है इस सेगमेंट में, और वहाँ पर फॉर्च्यूनर की सेल सबसे ऊपर है। ये तो था मेरी डिटेल्स कि आपको अगर अपर मिड साइज एसयूवी और फुल साइज एसयूवी लेनी है तो आप कौन सी सेलेक्ट करें अगर आपको एवरेज की ज़्यादा फिक्र है तो। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक का बटन दबाइए, और लाइक कर दो अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको वो स्मॉल मिड साइज और मिनी एसयूवी का देखना है ज़्यादा एवरेज वाला वीडियो तो पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा। पोल थोड़ा पहले ही निकल गया है, तो जाइए पोल पे पार्टिसिपेट कीजिए। अगर ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तो बड़ी खुशी से आपको बना के दूंगा वो वीडियो भी। हाँ, ये वीडियो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल पुश करना ना भूलिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।